hello everyone i charul welcome you all on my channel education at your doorstep this is the 31st lecture in the lecture series of geomorphology and guys as you know that we have started a sub lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail so we have already talked about the first order landforms and the second order landforms and now we are discussing about the third order landforms in which we have already completed the topic of the fluvial and the aeolian landforms and now we are going to start the last topic of the landforms that is the glacial landforms in this video we will be talking about the basics of the glacial landforms and in the next lecture we will discuss about the glacial erosional and the glacial depositional landforms but before starting this lecture i want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section write down any four points of difference between the barchans and the sea how sand dunes are different from the Lois? if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem then please watch my previous videos the link is given below in the description and if you have any doubt regarding any lecture you can follow me on my telegram channel that is education at your doorstep एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एट सो गाइज हमने तीन एजेंट ऑफ डी न्यूडेशन के बारे में पढ़ा था विंड रिवर एंड द ग्लेशियर्स तो विंड ने बनाए अयोलियन लैंडफॉर्म्स रिवर ने बनाए फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड हमारे ग्लेशियर्स बनाने वाले हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स लेकिन गाइज ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ग्लेशियर्स होते क्या हैं तो गाइज आपने जनरली सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है एंड दे आर कॉजिंग द फ्लड इन द कोस्टल एरियाज तो आखिर गाइज ये ग्लेशियर्स होते क्या हैं एंड ये मिलते कहाँ पर हैं तो गाइज ग्लेशियर्स बेसिकली मिलते हैं एट द पोल्स ऑफ द अर्थ क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसकी वजह से जो भी वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है एंड गाइज जो भी एरिया कॉन्टिन्यूसली परमानेंटली स्नो कवर्ड रहता हो उसे स्नो फील्ड का नाम दे दिया जाता है तो गाइज आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ग्लेशियर्स आर बेसिकली द ओपन सिस्टम जिसकी जो अपर लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी होती है लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे ग्लेशियर की उसकी डेंसिटी एंड उसकी हार्डनेस इंक्रीज होती चली जाती है तो गाइज अभी ये देखते हैं कि ग्लेशियर को ओपन सिस्टम क्यों बोला जाता है क्योंकि गाइज़ आपको पता होगा कि हाई लेटिट्यूड एरियाज में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से वहां पर स्नो फील्ड होती है एंड हैंस द ग्लेशियर्स तो गैस जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है जहां पर स्नोफॉल हो रही है वहां पर होगा ज़ोन ऑफ़ जहां पर हमारे ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो रही होगी लेकिन अगर हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए जहां पर लेटिट्यूड कम हो गया है टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो वहां पर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर स्टार्ट हो जाती है एंड इसे बोला जाता है एब्लेशन तो बेसिकली जहाँ पर हमारे जो ग्लेशियर्स है वो बनेंगे उसे क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन एंड जहाँ पर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ एब्लेशन और ज़ोन ऑफ एब्लेशन तो गैस होगा क्या कि जो हाई लेटीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पर जोन ऑफ एक्यूमुलेशन होगा एंड जो बेसिकली हमारे लो लेटीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पर जोन ऑफ एब्लेशन मिल जाते हैं तो so ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे ग्लेशियर्स दिस इज बेसिकली द स्नो कवर्ड फील्ड इसीलिए इसको स्नो फील्ड का नाम भी दे दिया जाता है तो so गाइज अभी बात करते हैं इक्विलिब्रियम लाइन या फिर फर्न लाइन की गाइज आपको पता है कि जो स्नोफॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी की एंड बहुत ही ज्यादा फ्लफी होती है तो गाइज होता क्या है कि जिस पॉइंट पर हमारे ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो रही होती है मतलब जहाँ पर जोन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है वहां पर हमारा जो ग्लेशियर है उसकी फॉर्मेशन होती रहती है लेकिन दूसरी साइड जहां पर बेसिकली कम हो गया है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर हो रही है जोन ऑफ एब्लेशन आ गया है वहां पर गाइस क्या होगा कि हमारा ग्लेशियर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा लेकिन गाइस अगर हम लोग जोन ऑफ ट्रांजिशन की बात करें बिटवीन द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन एंड जोन ऑफ एब्लेशन तो उसे बेसिकली इक्विलिब्रियम लाइन का नाम दे दिया जाता है जिसे हम लोग फर्न लाइन के नाम से भी जानते हैं तो गैस होगा क्या कि जो हमारी है, यहां पर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द एब्लेशन। तो इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम लाइन बोलेंगे या फिर फर्न लाइन तो गाइज हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं फर्न इसका मतलब आखिर होता क्या है तो गाइज जब हमारी स्नोफॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है फ्लफी होती है बहुत ही कम डेंसिटी वाली होती है लेकिन विद टाइम क्या होता है गाइज उन पर जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है जैसे न्यू स्नोफॉल ऊपर गिर गई एंड उसकी वजह से उसकी कंपेक्शन होती है कंप्रेशन होती है एंड डेंसिटी और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है तो गायस जब उसकी हार्डनेस और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उसे हम लोग फर्न या फिर नेवी का नाम दे देते हैं तो गाइज अभी और न्यू स्नोफॉल आ गई और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा और ज्यादा कंप्रेशन हुई और ज्यादा कंपेक्शन हुई तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है ग्लेशियल आइस की जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाली होती है तो गाइज अभी बात करते हैं कि जो हमारी स्नो होती है वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लफी एंड लेस डेंस होती है जबकि जो हमारा फर्न होता है ये बेसिकली बनता है जब स्नोफॉल के ऊपर न्यू स्नोफॉल का प्रेशर पड़ता है वो बेसिकली कंप्रेस होती है एंड कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती है तो उसे फर्न या फिर नेवी बोल देते हैं एंड जब ये गाइस जो फर्न है ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी और ज़्यादा इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसे हम लोग ग्लेशियल आइस का नाम दे देते हैं तो गैज अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ग्लेशियर्स की तो पहले होते हैं माउंटेन और द एल्पाइन ग्लेशियर्स गैस एल्पाइन इज बेसिकली दैट एरिया जहां पर बेसिकली ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि गाइस वहां पर ना तो अच्छे से सनलाइट आ पाती है एंड ऑल्सो वहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है तो अगर हमारे ग्लेशियर्स ऐसी जगह पर प्रेजेंट है तो उन्हें माउंटेन और दी अल्पाइन ग्लेशियर्स का नाम दे दिया जाता है गाइज जब हम लोग तुंद्रा बायोम के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक स्नो लाइन एंड एक ट्री लाइन के बारे में जो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि इस ट्री लाइन के ऊपर कोई भी और ट्री प्रेजेंट नहीं होगा एंड अगर कोई भी ग्लेशियर वहां पर प्रेजेंट है तो उसे माउंटेन और दी अल्पाइन ग्लेशियर का नाम दे दिया जाता है तो गैस होगा क्या कि जो ये माउंटेन और दी अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होंगे हाई लेटीट्यूड एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड एरियाज में क्योंकि वहां पर सनब्रेज बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग होती है इनकी मेल्टिंग नहीं होती एंड ये आराम से वहां पर रह सकते हैं इसीलिए गैस जो अल्पाइन ग्लेशियर्स होते हैं अगर उनकी मेल्टिंग हो जाएगी जो कि बेसिकली पोल्स ऑफ द अर्थ पर मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है क्योंकि इससे बेसिकली सी लेवल राइज होगा फ्लड्स आएंगे एंड हमारी जो मेराइन इकोसिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट हो जाने वाला है तो गाइज हमने पिडमेंट प्लेट्यूज के बारे में देखा था कि पिडमेंट का मतलब होता है एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन तो अगर कोई भी हमारा ग्लेशियर या फिर जो स्नो फील्ड है वो हमारे फुट हिल ऑफ द माउंटेन में प्रेजेंट है तो ऐसे ग्लेशियर को गाइज हम लोग क्या बोलते हैं पिडमेंट ग्लेशियर्स तो जो हमारे माउंटेन पर प्रेजेंट है दैट आर द माउंटेन ग्लेशियर्स एंड जो बेसिकली फुट हिल ऑफ द माउंटेन पर है दैट आर बेसिकली द पिडमेंट ग्लेशियर्स तो गैस अभी बात करते हैं दो तरह की चीजें होती हैं बिल्कुल सेम लगती हैं ग्लेशियराइजेशन एंड द ग्लेशिएशन तो गाइज जो ग्लेशियराइजेशन होता है दैट इज इज बेसिकली द द एरिया अंडर ग्लेशियर अभी इसमें हमारी इक्विलिब्रियम लाइन भी आ जाएगी जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी आ जाएगा एंड जोन ऑफ एबलेशन भी आ जाएगा लेकिन अगर हम लोग ग्लेशिएशन की बात करें तो गाइज जैसे हमारी विंड थी रिवर थी वो एक तरफ इरोजन तो दूसरी तरफ कर रही थी डेपोजिशन तो उस प्रोसेस को अगर हम लोग ग्लेशियर्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो उसे ग्लेशिएशन का नाम दे दिया जाता है मतलब ग्लेशिएशन में क्या क्या चीजें आएंगी इरोजन कॉज बाय द ग्लेशियर्स एज वेल एज द डेपोजिशन कॉज बाय द ग्लेशियर्स जिसकी वजह से हमारे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं जैसे कि गाइस कुछ तो हमारे एट द टॉप ऑफ द माउंटेन और कुछ एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन बन जाएंगे तो गाइज अभी दो तरह की चीजें हैं ग्लेशिएशन में एक है प्लकिंग एंड दूसरी है गाइज एब्रेशन गाइज हमने फ्लूवियल एंड अयोरियन लैंड फॉर्म्स में भी देखा था एब्रेशन लेकिन उसमें क्या स्पेलिंग्स थे ए बी आर ए डबल एस आई ओ एन एंड यहां पर है ए बी आर ए टी आई ओ एन तो मतलब ये दोनों डिफरेंट हैं गैस so प्लकिंग का मतलब क्या हुआ कि गैस अभी अगर उन पर सनरेज पड़ेंगी हमारे ग्लेशियर्स पर तो उनकी मेल्टिंग होगी वो वाटर में कन्वर्ट होंगे एंड हमारी वैलीज पर अगर कोई भी क्रैक्स प्रेजेंट हैं वो बेसिकली ग्लेशियर्स के कारण भी बन सकते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं बल्कि होते हैं जिसकी वजह से वहां पर क्रैक्स एंड फॉल्स की फॉर्मेशन हो गई एंड अभी जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हुई तो पानी उन क्रैक्स में चला गया एंड क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम था वो पानी बेसिकली फ्रीज हो गया जिसकी वजह से उसकी एक्सपेंशन हो गई एंड उसकी वजह से गाइस क्या होगा इरोशन क्योंकि हमारे रॉक्स बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड इसी को तो हम लोग वेदरिंग या फिर इरोशन का नाम देते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को गाइस प्लकिंग बोला जाता है अगर ये कॉज किया जाता है बेसिकली हमारे ग्लेशियर्स के कारण एंड गाइज हमने ऐसा ही कुछ प्रोसेस अयोलियन लैंड फॉर्म्स में भी देखा था केमिकल वेदरिंग में कि कैसे जब पानी हमारे रॉक्स के अंदर एंटर कर जाता था रात में वो सॉलिडिफाई होता था एक्सपैंड होता था तो वहां पर केमिकल वेदरिंग और दी अनियन पीलिंग टाइप ऑफ वेदरिंग हो जाती थी तो गाइज अभी बात करते हैं एब्रेशन की गाइज डोंट कंफ्यूज इट विद द एब्लेशन का मतलब था मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स लेकिन गैस जो एब्रेशन होता है इसका मतलब होता है जब हमारा ग्लेशियर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू द फुट हिल ऑफ द माउंटेन मूव करता है तो वो बेसिकली अपने साथ कुछ रॉक्स को भी लेकर आता है एंड जब ये रॉक्स आपस में टकराते हैं तो बेसिकली इनके बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड शार्प एजेस बन जाते हैं जैसे कि गाइज एट्रीशन में भी होता है हमने ड्रिंकेंस के बारे में देखा था तो कैसे वहां पर शार्प एजेस बन रहे थे ऐसे ही हमारे रॉक्स के भी बन जाएंगे जब वो बेसिकली माउंटेन से नीचे की तरफ आएंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लेशियर्स तो गायस प्लकिंग की वजह से तो वहां पर इरोजन हो ही रही थी लेकिन होगा क्या गायस जो ये रॉक्स हैं जिनके बहुत ही ज्यादा शार्प एजिस बन चुके हैं जब ये हमारे माउंटेन के साथ घसीटते हुए नीचे की तरफ आएंगे उसके साथ स्क्रैच करेंगे तो और ज्यादा इरोजन होगी एंड ये भी बेसिकली एक प्रोसेस है बेसिकली इरोजन का तो बेसिकली इरोजन दो तरह से हो सकती है हमारे ग्लेशियर्स में एक तो हो सकती है प्लकिंग से एंड दूसरी हो सकती है एब्रेशन से एंड गाइस इवन आप प्लकिंग को इक्वाट ले सकते हैं वेदरिंग क्योंकि वेदरिंग में क्या होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स एंड बेसिकली एब्रेशन में क्या ले सकते हैं एट्रीशन जैसे जब डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स टकराते थे तो वो बेसिकली गाइज क्या करते थे एक दूसरे की इरोडिंग ऐसी ही गाइस हमने एब्रेशन एयोलियन में भी देखा था कि कैसे जो बड़े साइज के पार्टिकल्स थे वो ज्यादा इरोशन कर रहे थे एज कम्पेयर टू द फाइन पार्टिकल्स ऐसा ही कुछ प्रोसेस इसमें होता है लेकिन जैसे कि ये हमारे ग्लेशियर के कारण होता है तो इसके स्पेलिंग थोड़े से चेंज है ए बी आर ए टी आई ओ एन एंड एबलेशन का मतलब क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लेशियर दैट इज बेसिकली द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर एंड जहां पर बेसिकली रेट ऑफ एक्मेशन विल बिकम टू द रेट ऑफन वहां पर बन जाती है इकोलिब्रियम लाइन तो गाइज दुडे इफ़ यू इंजॉय माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेशियल इनल एज ग्लेशियर डेपोजिशनल लेक्चर्स के बारे में एंड गाइज इसके बाद हमारी ये बेसिकली लेक्चर सीरीज खत्म हो जाने वाली है सो गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग